सर आपके लिए एक क्वेश्चन, मतलब अपनी वाइफ का कोच रहना कैसी फीलिंग है, मतलब एक ऐसा शेयर करना चाहो तो। नहीं मतलब हम देख भी नहीं सकते कि ये तकलीफ में है, एक एक्स्ट्रा सेट, एक एक्स्ट्रा रैप अगर हम किसी और के साथ करा रहे तो हम हो जाता है लेकिन एक वाइफ के साथ मतलब वो पेन मालूम पड़ता है कि हाँ नहीं जा सकता, लेकिन तब भी पुश करना पड़ता है कि यू कैन डू इट मैन। हेलो एवरीवन, मैं ललित मोते और अभी हमारे साथ है मिस रेणुका, जिन्होंने अभी बिकनी फिटनेस मॉडल में गोल्ड मेडल जीता है। तो मैम, एक एज अ वुमन इस फील्ड में आपकी जर्नी कैसी रही? इट वाज नॉट इजी। दो साल पहले मैंने अपना वर्कआउट रूटीन शुरू किया था जस्ट टू रिमेन फिट, टू स्टे फिट। फिर मैं अपने हस्बैंड से मिली, वो मेरे ट्रेनर और मेरे कोच थे, उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया। जिम करने के एक 8-10 महीने बाद वो मुझे बोलने लगे कि यू हैव अ गुड बॉडी, ट्राई एंड हैव बिकनी एथलीट। तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी बिकॉज बिकनी पहनना पड़ेगा, बिकॉज जब कोई शॉर्ट नहीं पहनता तो बिकनी कैसे पहनेगा। सो बाद में उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना ये किया कि मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। बिकॉज ट्राई करने के बाद में लास्ट ईयर मैंने पहला कंपटीशन खेला अपना, और ये आज का मेरा 7th कंपटीशन है पिछले एक साल में। एंड इसमें अभी गोल्ड लगना, यस गोल्ड लगा है, एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ये इजी नहीं है। बिकॉज चलो गोल्ड लग गया, ये बहुत 5 मिनट का शो था, बट 5 मिनट शो दिखाने के लिए आपको कितने सारे ईयर्स देने पड़ते हैं, सैक्रीफाइस। बट यहाँ पे स्टेज में आके बस आपको 2 मिनट का जलवा दिखाना पड़ता है, एंड दैट्स ऑल। उस 2 मिनट में अगर आप गए तो बस गए, ऐसा है। सो व्हाट मैटर्स इज गोल, यस ऑफ कोर्स। तो आपने मतलब एक कंफर्ट जोन छोड़ा, तो आपके फैमिली ने सपोर्ट किया था, मतलब हस्बैंड के अलावा? हस्बैंड के अलावा मेरी फैमिली, पहले तो मुझे डर था कि मेरे इन लॉज, बिकॉज ऑब्वियसली आजकल के जनरेशन को देखकर इन लॉज इतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो मैंने कभी इन लॉज को बताया नहीं। माय हस्बैंड यूज्ड टू टेल मी कि हम बताते हैं क्या, बट मुझे नहीं पता था कि वो बिकनी को लेके इन लॉज बिकनी को क्या रिएक्ट करेंगे। तो पहले 2 कॉम्पिटिशन्स मैंने बिना बताए खेले उनसे, तो हमें बहुत डर था कि कहीं बाहर से मीडिया से पता चलेगा, कि अनफॉर्चुनेटली नहीं पता चला, बिकॉज गोल्ड नहीं जीता था। 4th, 3rd, 5th आती थी तो इतना नहीं पता चला, ठीक है। बट फिर जब इंडिया में सिलेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि अब बताना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं अभी तो बताना ही चाहिए, तो जब बताया तो उनको बहुत बुरा लगा कि क्यों नहीं बताया, इसलिए नहीं कि क्यों खेल रहे हो, अगर बताया होता तो हमारा भी सपोर्ट होता। तो हम लोग इतने ज़्यादा सरप्राइज थे, ये तो कुछ उल्टा ही उल्टा हो गया कि मतलब बता देते तो शायद उनके सपोर्ट के साथ हम और ज़्यादा अचीव कर पाते कुछ। तो तब से लेके अब तक इतना ज़्यादा सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड मेरे ट्रेनर हैं, ये क्या मेरे हस्बैंड है, ये पहले अपने पैशन के लिए पार्ट टाइम ट्रेनिंग और कोचिंग करते थे जिम में, जहाँ पे मैं इनसे मिली और फिर हमने शादी की, और तब से ये मुझे ट्रेन करते हैं, मेरा डाइट मेरा एवरीथिंग यही देखते हैं, और मैं परफेक्टली फॉलो करती हूँ, थोड़ा भी चीट नहीं करती हूँ। मुझे एक छोटा सा कुछ खाना भी होगा तो मैं इनसे पूछती हूँ, बिकॉज ही इज़ माई कोच, सो दैट इज़ वॉट यू शुड ऑल फॉलो। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं चल जाता है, ऐसा नहीं। तो आपके ट्रेनर और आपके कोच जो आपसे कहे वो आपको खाना या पीना या करना चाहिए। एंड इनके अलावा सबसे बड़ा हाथ मेरे इन-लॉज का है, मेरी फैमिली मेम्बर्स का है। ऑफकोर्स मेरी मम्मी तो है ही है, बट मेरी मम्मी वहाँ बैठी है, बट जो मुझे सपोर्ट करते हैं प्रैक्टिकली एंड मेंटली वो मेरे इन-लॉज एंड मेरे हस्बैंड है। तो सर आपके लिए एक क्वेश्चन, मतलब अपनी वाइफ का कोच रहना कैसी फीलिंग है, मतलब एक ऐसा शेयर करना चाहो तो। नहीं मतलब हम देख भी नहीं सकते कि ये तकलीफ में है, एक एक्स्ट्रा सेट, एक एक्स्ट्रा रैप अगर हम किसी और के साथ करा रहे तो हम हो जाता है लेकिन एक वाइफ के साथ मतलब वो पेन मालूम पड़ता है कि हाँ नहीं जा सकता, लेकिन तब भी पुश करना पड़ता है कि यू कैन डू इट मैन। तो थोड़ा टफ रहता है वाइफ को या फिर कोई रिलेशनशिप में जो है उनको ट्रेन करना। मुझे जब ये ट्रेन करते हैं तो मुझे वो दंगल के आमिर खान ही दिखते हैं, बिल्कुल वैसा ही, नो मर्सी एट ऑल। बिकॉज जब ये ट्रेन करते हैं ना, मुझे नहीं ऐसा, मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि ये मेरे हस्बैंड है, हमारा झगड़ा होता है, झगड़ा होता है जिसमें उनको भी बुरा लगता रहेगा कि खाने पे सैक्रिफाइस करने बोल रहा हूँ, मुझे नहीं करना है जिम, नहीं करना है, मैं जा रही हूँ। बट इतना ज़्यादा होता है ना, हम लोग दोनों दुश्मन रहते हैं जिम में, और जिम के बाहर हम हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, ऐसा होता है। बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग कराते हैं जो भी है, बट यस अच्छे के लिए कराते हैं। तो आपने देखा कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करके अभी इन्होंने गोल्ड जीता, आगे महाराष्ट्र में भी आपको गोल्ड लगे
और आप मिस्टर इंडिया के लिए फिर से सिलेक्ट हो जाओ, यही विश करेंगे हमारी तरफ से. तो ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही गाइड करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. और एक मैसेज सबके लिए, प्लीज़ अपने वाइफ्स को, अपने सिस्टर्स को, या जो भी अपनी फैमिली मेम्बर्स में जो फीमेल है उनको आप मोटिवेट करो. नॉट ओनली इन दिस, लाइक एनी इंडस्ट्री, अगर वो कहीं कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये मत सोचो कि ये कैसे करें वो कैसे करें, प्लीज़ उनको सपोर्ट करो. थैंक यू सो मच. सो बहुत कुछ सीखने जैसा था इस इंटरव्यू से. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इन्होंने जो बताया वो आप आपके लाइफ में यूज़ करोगे, आपके घर के फीमेल्स को मोटिवेट करने के लिए आपको थोड़ा इंस्पिरेशन आएगा. सो गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इनका जो मोटिवेशन इन्होंने दिया वो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना. एक बार आप ऐसा पोस्ट दे सकते हो.